बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। डियर स्टूडेंट्स, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एंड राइट ऑर्डिनरी नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, डिफाइन लॉगरिथम, राइट लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल एंड वाइस वर्सा, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन इन लॉगरिथमिक फंक्शन, फाइंड लॉग ऑफ एनी रियल नंबर यूजिंग लॉग टेबल। लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, लॉगरिथम। आज हम एक न्यू चैप्टर करेंगे, लॉगरिथम। लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। बेटा, लॉगरिथम वाई लॉगरिथम इन्वेंटेड इनिशियल स्टेजेस पे, जब लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, ठीक। तब सिंपल कैलकुलेशन तो पॉसिबल थी और सिंपल कैलकुलेशन में सिंपल कैलकुलेशन जो थी वो एक्यूरेट होती थी। लेकिन जब कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हुई तब उसमें मिस्टेक के चांसेस होते थे, ठीक है। फिर एक मैथमेटिशियन थे, अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारज़मी, जिन्होंने लॉगरिथम का आइडिया दिया। बाय यूजिंग लॉगरिथम कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट जो कैलकुलेशन थी वो ईजी हो गई और लॉगरिथम को एज अ टूल यूज़ किया गया, रैपिड और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम को एज अ टूल यूज़ किया गया। अबू मोहम्मद मूसा ख्वारज़मी ने लॉगरिथम का आइडिया दिया था। फिर उसके बाद आगे चल के डिफरेंट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने लॉग पे काम किया और लॉग के टेबल वगैरह टेबल बनाए। इसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जब टॉपिक आएगा हमारा। उससे पहले लॉगरिथम की इंट्रोडक्शन के बाद अब जो हम करेंगे वो है हमारा, सबसे पहले हम बेसिक करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन जो होती है, जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ गई थी, जैसे कि कोई भी वैल्यू है 0.00000000 up to 170, 17 है, 1689 है, कुछ भी, बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज वैल्यूज़ आ गई, जैसे 150,000 इज़ नॉट अ बिग वैल्यू, इससे भी कोई लार्ज जब वैल्यूज़ आ गई, तो उनको जब आप लिखते थे उनको लिखने के दौरान मिस्टेक के चांसेस होते थे। मे बी कभी आप 10 आप कम लिख देते थे या 01 ज़्यादा लिख देते थे, तो उस वैल्यू पे फ़र्क पड़ता था, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट ने जो है वो एक साइंटिफिक नोटेशन जो है वो इन्वेंट की गई। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ए मल्टीप्लाई बाई 10^n। कोई भी नंबर जब a मल्टीप्लाई बाई 10^n की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर a क्या होता है, a आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, ठीक है। a जो आपका होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 9, मीन्स के 1 to 9 नंबर्स होंगे। और n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? +-1, 0+-2, +-3 up to 1 इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जब भी किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। एग्जांपल में है, जैसे आपका 306000 30,600 है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है कि आपका जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो इंटीजर होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो इंटीजर के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। अभी आपका यहाँ पे देखें, कहीं पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब है आपके जो नंबर के एंड पे है पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास। जब ये वाली है राइट साइड, ये राइट साइड है आपकी, राइट से आप, ये लेफ़्ट साइड है, राइट से आप लेफ़्ट मूव करोगे और ये पॉइंट क्या है वो एंड पे है, एंड से आप मूव करोगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है बेटा। तो इस डेसिमल पॉइंट को जितने नंबर आपने मूव किया होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 आप इसको लिखते हो 3.06। अब
3.06 मल्टीप्लाई बाय जितने पॉइंट आपने शिफ्ट की है वो है 4। अब यहाँ पे जो है जो ज़ीरो होते हैं वो ज़ीरो आप नहीं लिखते, जस्ट आप नॉन ज़ीरो डिजिट लिखते हैं। ये जो ज़ीरो था ये मिड में था, ये आप स्किप नहीं कर सकते थे, ये लिखेंगे। जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के मिड में ज़ीरो होंगे वो आप लिखेंगे, तो 10^4 आएगा। जब राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो आप पावर पॉजिटिव लेते हैं, जब लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0.00023। ये आपका क्वेश्चन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अब देखें, ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। आपने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करवाना है, आपने यहाँ तक मूव करवाना है। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2.3 मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर आपने मूव करवाया है डेसिमल पॉइंट को, 4। तो आप लिखेंगे 10^-4। जब भी मूव करवाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पावर क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पावर विल बी नेगेटिव एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पावर विल बी पॉजिटिव। ओके जी, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपकी है साइंटिफिक नोटेशन, वेयर ए इज़ आर 2.3 एंड एन इज़ -4। एन मैंने कहा था इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है और ये जो नोटेशन होती है ये ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। आप साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब जैसे 6.35 मल्टीप्लाई बाय 10^6 है, अगर आपको कहा जाए इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें तो बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखेंगे, पावर 6 है, इसका मतलब है इस पॉइंट को आपने 6 डिजिट आगे लेके जाना है। तो इस पॉइंट को जब हम लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे जो डिजिट नहीं है इतने आपने ज़ीरो लगा देने, तो इसको यहाँ तक शिफ्ट किया, दैट इज़ योर ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये नंबर क्या बन गया, 635, ये आपका नंबर है 63,50,000। अब आपका ये नंबर बन गया। होप्सो आपको साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक समझ आई होगी। अब एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। सेकंड क्वेश्चन को आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट, अब आते हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन की तरफ। लॉगरिथम जो है, लॉग जो है हमारा, जो वो इनवर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल का। लॉगरिथम इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। सो लॉग को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल को समझना होगा। जैसे कि ये लिखा हुआ 2^5, ठीक है, 2^5 इज इक्वल टू 32 है। इसका मतलब है 32, अगर हम इसको पढ़ें तो कैसे, 32 इज विच पावर ऑफ 2, 32 जो है वो 2 की कौन सी पावर होती है। तो आंसर इज 32, यस स्टूडेंट, 32 इज विच पावर ऑफ 2, 32 इज विच पावर ऑफ 2 के 2 की क्या पावर लें तो आंसर 32 आएगा। 2 की क्या पावर लें तो आंसर 32 आएगा, यस 5। तो 2 की अगर हम पावर लें 5 तो क्या आएगा, हमारा आंसर 32 आएगा। ओके जी, जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम इज़ अ फंक्शन, लॉगरिथम इज़ अ फंक्शन विच टेल अस दैट अ गिवन नंबर, गिवन नंबर जो भी है, अ गिवन नंबर इज व्हाट पावर ऑफ अनदर गिवन नंबर। लॉगरिथम क्या कहता है, लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है विच टेल अस दैट अन गिवन नंबर इज व्हाट पावर ऑफ अनदर गिवन नंबर, के जो आपका गिवन नंबर है 32, वो दूसरा जो गिवन नंबर है 2 जो है आपका गिवन नंबर है उसकी क्या पावर लें तो 32 आएगा, ठीक है। तो अब जब हम लॉग इन लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 2, लॉग 32 टू बेस 2 के 2 की 2 बेस है, इसका मतलब क्या है कि 2 की क्या पावर लें, 2 की क्या पावर लें, हमारा 32 आएगा। तो 2 की पावर जब हम 5 लेते हैं तो हमारा आता है 32, इसका मतलब है लॉग 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ 32 रीड कैसे करते हैं, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2। ओके जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर वाई, कोई भी गिवन नंबर अगर आपका वाई हो, लेट सपोज आपका ये जो 5 है ये वाई है, द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर वाई टू बेस ए, बेस जो यहाँ पे 2 ली है ये बेस ए, इज़ द इंडेक्स एक्स ऑफ पावर टू विच ए मस्ट रेज, इसका इंडेक्स एक्स होगा,
ए को क्या पावर दें टू ऑफ पावर टू विच ए मस्ट बी रेज टू गेट दैट नंबर। ए की वो पावर लें, ए की पावर ऐसी लें जो कि हमारे पास क्या आ जाए, गिवन नंबर आ जाए। ठीक है, ओके जी। अब मुझे बताएं टू की पावर क्या लें तो 8 आएगा, टू की पावर क्या लें तो 8 आएगा। यस स्टूडेंट, टू की पावर हमारी 1 होती है, टू, टू की पावर 2 होती है हमारी 4, टू की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो टू की पावर क्या 8 आंसर देती है, टू की पावर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3। इसी तरह 3 की क्या पावर 9, 3 की क्या पावर 9 के इक्वल होती है, तो 3 पावर 2, तो आंसर इज 2। इट्स मीन दैट लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको अगर ये होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, और ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 और 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ओके जी, लॉग कोई भी किसी भी नंबर का लॉग, और लॉग ऑफ 10 एन कोई भी नंबर है, इज इक्वल टू होता है इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट, उसको इंटेग्रल पार्ट भी कहते हैं और डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट कहते हैं। और ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। इंटीजर जो होता है या इंटेग्रल पार्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इंटेग्रल पार्ट को आप कहते हो करेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पार्ट को कहते हो आप मेंटीसा। और लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ यूनिक, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो यूनिक होता है। अब देखिए ये नंबर है 206, 206 जो नंबर है, अब इसका ये लॉग लिया गया है, तो ये जो 2 है ये इंटेग्रल पार्ट है, ये क्या है करेक्टरिस्टिक्स, और ये जो डेसिमल पार्ट है ये है मेंटीसा। जब इसके 3 नंबर थे तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या थी, 2, जो इंटेग्रल नंबर है वो 3 है, तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी 2। करेक्टरिस्टिक 2 क्यों है, करेक्टरिस्टिक्स वैसे होते हैं कि एक अगर आपका ये जो इंटेग्रल पार्ट है, अगर इसके लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट हो, तो इसमें से एक नंबर कम, मतलब ये होता है कि ये देखें पॉइंट एंड पे इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने डिजिट शिफ्ट किया, 2, 2, तो आपका जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी 2 होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप कितने नंबर शिफ्ट करोगे, 2 नंबर ही शिफ्ट करोगे, तो इसकी करेक्टरिस्टिक होगी -2, इसकी क्या होगी +2। और जैसे ये नंबर है, ये वाला नंबर, इसमें आप पॉइंट को शिफ्ट नहीं करोगे, इसलिए आपकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी 0, करेक्टरिस्टिक 0 होगी। इस नंबर में आप 1 नंबर, तो इसकी होगी -1। ओके स्टूडेंट, नाउ एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम 232.92, ये नंबर है, इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ से आपने इंटेग्रल पार्ट देखना है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 2। अब मेंटीसा कैसे देखेंगे, मेंटीसा के लिए आपको टेबल ऑफ लॉगरिथम देखना पड़ेगा। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और बाय यूजिंग टेबल भी, तो मैं आपको बाय यूजिंग टेबल सिखाऊंगी। बुक की पेज नंबर 293 पे आपका टेबल ऑफ लॉगरिथम है, ये कैसे आपने करना है। आपका जो नंबर था वो क्या था 232.92, तो आपने फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं 23, क्योंकि आपका जो टेबल है ये इधर ये कॉलम वाइज है और ये रो वाइज है, आपने कॉलम वाइज देखना है, तो आपके फर्स्ट 2 डिजिट जो है ना वो आपके 10 से कम, मिनिमम 10 है, तो यहाँ पे आप 23 आपका मेन जो नंबर है आपने कॉलम वाइज देखना है वो 32 एंड रो वाइज 2, 32 को 2 में देखना है, 32 आपने देखना है, ये देखें 23, सॉरी 23 है, 32 नहीं है, 23 है ये आपका नंबर, ये 23, 23 को आपने रो वाइज कौन से नंबर में देखना था, 2 में, ये है 2, तो ये आपका क्या आ गया नंबर 23, 2 में क्या है 365.5। आगे 9, तो मीन डिफरेंस होता है, आगे मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस आपने देखना है 9 में, मीन डिफरेंस 9 में, मीन डिफरेंस 9 में ये देखें 17 है और हमारा नंबर था 365, 365 प्लस 9 17 करना है, तो 365 प्लस 17 विच गिव्स यू 0.3672। तो लॉग ऑफ 232.92 किसके इक्वल हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 2.3672। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है 0.00032, इसका आपने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप मेंटीसा करेक्टरिस्टिक लिखें तो क्या होगी, 1, 2, 3, 4, आपने
1, 2, 3, 4, 4 digit इस पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, सो करेक्टरिस्टिक्स इज 4 - 4 माइनस, सॉरी एक और चीज़ होती है, आपने यहाँ पे जीरोज़ देखने होते हैं, अगर यहाँ पे 1 0 हो तो करेक्टरिस्टिक होती है 2 माइनस, 2 जीरोज़ हों तो 3 माइनस, माइनस 3 और 3 हो तो 4 - 4 होती है, ठीक है। अब आपने जो है इस क्वेश्चन में क्या आपका जो जो आपका नंबर है वो है 32, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो नंबर है डिजिट है वो है 32, 32 है और 32 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है 32 के आगे हमने ज़ीरो को, ज़ीरो होंगे 32 के आगे, ठीक है, तो आपने 32 को देखना है ज़ीरो में, ये आपका है 31, ये 32 को आपने ज़ीरो में देखना है, दैट इज़ 5051, आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम मेन डिफरेंस नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा 0.5051, सो इसकी जो लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू 4 - 0.5051। ओके स्टूडेंट, होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 2, इफ़ लॉग ऑफ 31.09 इज इक्वल टू दिस पॉइंट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें यहाँ पे ये जो 4 डिजिट्स हैं, जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये इन सब के सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट सबके यही हैं, ठीक है। ओके जी, आपकी मेंटिसा अगर सिग्निफिकेंट डिजिट सेम हो तो मेंटिसा आपका सेम ही रहेगा, करेक्टरिस्टिक जस्ट आपकी चेंज होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, ये क्या इसका मेंटिसा है, ठीक है, ये मेंटिसा सारे क्वेश्चंस के लिए क्या रहेगा 4926। अब लॉग ऑफ 31.09 गिवन है, अब 3.109 है, अब इस केस में देखें आपके जो करेक्टरिस्टिक होगी क्या होगी, जीरो, आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक जीरो और मेंटिसा 4926, तो लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.4926। अब ये क्वेश्चन देखें, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी 2, तो लॉग ऑफ 31.31 310.9 किसके इक्वल हो जाएगी 2.4926। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, करेक्टरिस्टिक माइनस 3 होगी, तो लॉग ऑफ 3 - 3.4926। इसी तरह इसकी होगी 1 माइनस करेक्टरिस्टिक्स है तो 1 - 4.4926 हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम कर लेते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द फॉलोइंग फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है, ये आपने सारे क्वेश्चन खुद करने हैं और ये सेम है, मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आपने क्वेश्चन खुद करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉग ऑफ 381 इज इक्वल टू एल, आपने जो अननोन है उसको फाइंड करना है, दैट इज एल। अच्छा, जो हमने लॉग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, जो लॉग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि 3 की क्या पावर लें, 81 आएगा, तो 3 की पावर देखते हैं, 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इज इक्वल टू 27 एंड 3 पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 पावर L इज इक्वल टू 81। अब 81 के आपने फैक्टर्स निकाले तो 3 की पावर 4 बन गई, ठीक है, 81 इज इक्वल टू 3 पावर 4, तो बेसिस सेम थी, पावर कंपेयर कर लें तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 है, 10 पावर P इज इक्वल टू 40, आपने यहाँ पे P फाइंड करना है, तो अब आप बोथ साइड पे लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं लिखा, हम लॉग ले रहे हैं बोथ साइड पे, लॉग ऑफ 10P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 40, तो पावर आपको पता है स्टार्ट में आ जाएगी, ये आप आगे पढ़ेंगे, तो P इज इक्वल टू लॉग 10, लॉग 40 इक्वल होता है 0.6021, आप कैलकुलेटर पे लॉग का बटन प्रेस करके 40 प्रेस करें, 0.6021 आ जाएगा, लॉग 10 इक्वल होता है 1 के, तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस, पी 1 ऑफ पी आ जाएगा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, आपने इसको लॉग फॉर्म में लिखा इज इक्वल टू एक्स, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल पावर एक्स इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पे अंडर रूट था, इसको ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर को अंदर सेपरेट ले लिया, यहाँ से कट गया, 4 × 2 आ गया, और यहाँ पे 5.2 के आपने फैक्टर्स निकाल लिए तो 2 पावर 9 बन गया, 9 2 18, और यहाँ पे 2 की पावर ये 2
टू द पावर वन विच इज़ इक्वल टू थ्री, टू पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू 18। बेसिस से हमें पावर कंपेयर करें तो 3 पावर x इज इक्वल टू 18 डिवाइड कर दें 3 को बोथ साइड पे तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आपने एक्सरसाइज 3.2 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के पूरी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।